हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू के प्रेडिक्शन का। आज कैसे आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 7 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 19 फरवरी को इंडिया टाइम के साथ दोपहर के 2:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं, लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो जहां पे 5 में से 3 मैच विन करके आ रही है, तो वहीं 2 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो 5 में से 3 मैच लॉस है, 2 मैच विन करके आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग मुल्तान सुल्तान 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे मुल्तान सुल्तान 6 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैच जीत के आ रही है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हेड टू हेड में भी मुल्तान सुल्तान आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फिर, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं, लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकता है। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे मुल्तान सुल्तान का 70% देखने को मिल रहा है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 40% देखने को मिल रहा है। एवे स्कोर की बात करें तो मुल्तान सुल्तान का 164 है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 167 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मुल्तान सुल्तान का 245 है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 199 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो मुल्तान सुल्तान का 111 है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 105 है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी मुल्तान सुल्तान का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच वेदर कैसी रहेगी, तो क्लीन एंड साइन रहेगी, 16.1 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है। अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो 82% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो जहाँ पे 165 बनने की संभावना है, वहीं अगर सेकेंड इनिंग में देखें तो 146 बनने की संभावना है इस पिच पे। टोटल 3 मैच खेले गए हैं, जो तीनों मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इस पिच पे डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर चेसिंग करने वाली टीम की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल हो सकती है चेस करने में। तो पिच काफ़ी अच्छे हैं, पिच पे काफ़ी जबरदस्त मैच भी होते हैं। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहले टीम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो नो डाउट काफ़ी जबरदस्त टीम है। अभी तक टोटल 3 मैच खेल के आए, जिसमें से 2 मैच विन करके आ रही है, वहीं 1 मैच लॉस करके आ रही है। और पॉइंट टेबल के हिसाब से बात करें तो पॉइंट टेबल में सबसे नंबर 1 पे स्टेबल है। वहीं अगर दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी जबरदस्त है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर इसके पॉइंट टेबल की बात करें तो ये 2 नंबर पे स्टेबल है। तो दोनों टीम स्ट्रांग है, दोनों के बीच में मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं एक्सपेक्टेड के विकेट बॉलर्स के फेवर में, तो बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम मुल्तान सुल्तान के की प्लेयर्स की बात करें तो मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, डेविड मिलर, खुशदिल शाह। वहीं दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के की प्लेयर की बात करें तो कॉलिन मुनरो, आसिफ अली, शादाब खान, फहीम अशरफ। ये रहे दो टीमों के की प्लेयर्स जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने के भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।